हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा और आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एकेडमी पे। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आरआरबी की ओर से। आरआरबी ने बताया है दोस्तों, रेलवे ने बताया है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो एप्लीकेशन है स्टेटस थी और बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आरआरबी ने बताया, क्या रेलवे ने नोटिफाई किया, वो सब चीज़ों को मैं विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, पहले आपको इंडिपेंडेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन की बेल को बजाना है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही रेलवे मिनिस्ट्री ने एक पीआईबी जारी किया था और उन्हें बताया था कि जो 15 दिसंबर से आपका जो आरआरबी के जो लंबित एग्जाम्स हैं वो कौन कौन से हैं। आरआरबी जो एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, तो इनकी जो एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन जो शेड्यूल होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 15 दिसंबर से। तो ये 10-15 दिन पहले उन्होंने बताया था और आज क्या जारी किया दोस्तों, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो और उस जो खुशखबरी वाली खबर को आप ज़रूर देखो। तो चलते हैं उस खबर पर दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से आ रही है दोस्तों, नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 1/2019, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी दैट इज NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, व्हाट CN नंबर 1/2019, जो 1/2019 क्या है दोस्तों, आपका NTPC है। इशूड ऑन 28/2/2019, एप्लीकेशन वेर इन्वाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रोविजनली एलिजिबल, ऑप्शन टू रिजेक्टेड अलॉन्ग विद द रीजन फॉर द रिजेक्शन। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कैन बी व्यूड थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव RRBs। तो बताया जा रहा है दोस्तों, जो एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस दिया गया था, जो नोटिफाई हुआ था, जब हम लोग फॉर्म भरने के लिए एक नोटिस आया था 28/2/2019 को नोटिस आया था, और जो फॉर्म एक्टिव कब हुआ था दोस्तों, ये मार्च में एक्टिव हुआ था। इसी चीज़ को पहले पैरा में बताया गया और ये बताया गया है कि आपको प्रोविजनल जो भी आएगा एप्लीकेशन स्टेटस, वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड होंगे और जो लोग रिजेक्ट होंगे उनको रीजन भी बताया जाएगा, उनका रिजेक्शन का क्या कारण है। तो चलते दोस्तों, जो पैरा टू कह रहा है, पॉइंट टू क्या कह रहा है दोस्तों, SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन हिज हर एप्लीकेशन हुज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। तो दोस्तों, जिनका जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जब भी आप फॉर्म भरे थे तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो आपका जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हुआ था और ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड हुआ था, जो कैंडिडेट अगर रिजेक्ट होते हैं तो उनके मोबाइल पे SMS आएगा दोस्तों। तो अगर आप देख लेना कि आपके मोबाइल पे SMS आया है कि नहीं, अगर रिजेक्शन आपका हुआ तो आपके मोबाइल पर SMS आएगा और ईमेल आईडी पर भी SMS आएगा। तो पैरा थ्री क्या कह रहा है दोस्तों, पॉइंट थ्री, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कैन बी व्यूड बाय एंट्रिंग द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 21/9/2020 to 30/9/2019। तो दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि जो लिंक कब से एक्टिव हो जाता है दोस्तों, 21 सितंबर से सभी भाई बहन देख सकते हैं अपना NTPC का एप्लीकेशन स्टेटस। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 21 तारीख से आप सभी लोग देख सकते हैं, और कब तक देखोगे दोस्तों, 30 तारीख तक आपको देखना है अपना एप्लीकेशन स्टेटस। और ये भी बता दिया जाएगा दोस्तों कुछ दिन बाद कि कितने बजे वो एक्टिव हो जाएगा लिंक, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट, RRBs रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इन एडवर्टेंट एरर्स और टाइपोग्राफिकल और ऑब्लिक प्रिंटिंग मिस्टेक्स। RRBs रिग्रेट्स इन इनएबिलिटी टू इंटरटेन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम इन एलिजिबल कैंडिडेट। तो दोस्तों, कुछ भी अगर उसमें गलती होती है तो उसके लिए RRBs फिर से रेक्टिफाई कर देगी, उसके लिए आप परेशान नहीं होना। कहीं प्रिंटिंग में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो RRBs फिर से उसको सही कर देगी, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना। तो क्योंकि RRBs ने इसका एक प्रोविजनल निकाला है, तो ये ओरिजिनल नहीं है, एक लिस्ट और निकलेगी फिर से, तो उसमें भी
जो रिजेक्ट और एक्सेप्ट होंगे तो वो लिस्ट मेनली मान्य होगा। तो पहला लिस्ट में अगर किसी भाई बहन का मिस्टेक से, आरआरबी की मिस्टेक से किसी का रिजेक्ट दिखाता है तो वो हड़बड़ाने की बात नहीं है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, कैंडिडेचर ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड इट इज लेबल टू द कैंसल एट एनी स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और देयर आफ्टर इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी डेफिशिएंसी फर्निश्ड बाय देम इन देयर एप्लीकेशन और एनी मैल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट कमिंग टू द नोटिस ऑफ आरआरबी एट एनी स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों ये मैंने पहले ही बताया था कि ये एक तरह से प्रोविजनली है, आपके लिए प्रोविजनल है। जो अगर कहीं भी आप, आपके जो भी ऑनलाइन फॉर्म में कहीं भी आपकी गलतियां पकड़ी जाती है, आप गलत तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म भरे हो तो आरआरबी बाध्य है कि आपका रद्द भी कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। चौथा पॉइंट है दोस्तों, बीवेयर ऑफ टाउट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट विथ फेक प्रॉमिस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द जॉब ऑन इलीगल कंसिडरेशन। आरआरबी सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। दोस्तों छठा पॉइंट में ये बताया गया है कि कई लोग होते हैं जो बताते हैं कि आप 10 लाख दे दीजिए, 12 लाख दे दीजिए, आपको नौकरी दिलवा देंगे। तो आरआरबी इसी चीज़ को बोल रहे हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आरआरबी में आपको सिलेक्शन के लिए आपको सीबीटी टेस्ट पास करना है और मेरिट की ओर से गुजरना है, तभी आपका नौकरी लगेगा। ये सब मिसगाइड नहीं होएगा दोस्तों, ये आरआरबी ने छठे पॉइंट में बता दिया है। और सातवां जो पॉइंट है दोस्तों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्री टू नोट मिसलीड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। तो मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कुछ भी नोटिस आता है आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाओ, उसको देखो, उसको व्यू करो, वो मेन चीज़ है दोस्तों। आप कहीं फेक जो वीडियो चलती है, फेक व्हाट्सएप ट्विटर जो कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलते हैं उस पर विश्वास ना करो। तो जो आपका आरआरबी पर जो ऑफिशियल साइट पर जो नोटिफिकेशन है आप उस पर विश्वास करें और उसको ही सही माने। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 21 तारीख से सभी भाई बहन का एप्लीकेशन स्टेटस जारी होगा। सभी भाई बहन अपना एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या है डेट ऑफ बर्थ, जो पासवर्ड उनका रहेगा डेट ऑफ बर्थ, ये लगाकर आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजाना तो मत भूले दोस्तों। थैंक यू, हैव अ गुड डे।